What's up guys, kaise ho aap log? Welcome to another video on the 23 Rides channel, and today we have the Triumph Tiger 660 Sport with us. The idea of making this video is of course to give you some details about the specs and all that you have already heard, but the major point is to tell you who this motorcycle is really meant for. You know, it has a Tiger badging, it is a sports tourer. So what is Triumph really trying to do with this motorcycle? So let's get started on a short 60-70 kilometer ride, and I'll share what I feel about this machine. It's 6:26 a.m. in the morning, and I am starting from Greater Noida, heading towards Gurgaon, where I have to return this machine. It's been there with me for almost 5 days now. I was supposed to actually return this machine yesterday, but couldn't get free from my office work, and there was a huge traffic jam as expected in the rush hours. So I thought, why not do a swift run from Greater Noida to Gurgaon in the morning when there is no traffic and enjoy the machine before returning it. 80 bhp of power, 64 newton meters of torque. So पावर और टॉर्क की कमी तो नहीं है इंडियन रोड्स के हिसाब से. फ्रॉम अ फीचर स्टैंड पॉइंट बाकी अगर चीज़ें देखो, इट्स अ फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल. 17.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक है जो आपको एक अच्छी खासी रेंज देगा अराउंड 350 किलोमीटर की ऑन द हाईवे. राइडिंग पोजीशन की बात करें तो राइडिंग पोजीशन तो प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरिंग वाली पोजीशन है, वेरी कम्फर्टेबल. कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता आपकी रिस्ट पे, शोल्डर्स पे, बैक पे, एकदम अपराइट बैठोगे आप इस बाइक को चलाते समय. फुटपैक्स ऑब्वियसली थोड़े से रियर सेट हैं, जो एक्चुअली एक क्लियर साइन है कि ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी. बेसिकली जब फुटपैक्स पीछे की तरफ सेट होते हैं, डायरेक्टली अंडर योर थाइज, डायरेक्टली अंडर योर नीज नहीं होते, दैट मीन्स के द बाइक, जो बाइक आप चला रहे हो वो सैडलिंग करने के लिए नहीं बनी. जो हम ऑफ रोड्स पे खड़े होकर चलाते हैं ना, उसके लिए जो राइडिंग ज्योमेट्री चाहिए उसके हिसाब से आपके जो फुटपैक्स होते हैं वो आपकी बॉडी के डायरेक्टली नीचे होने चाहिए. आपका पैरों का एंगल, ये जो पीछे की तरफ बन रहा है ना, ये नहीं बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, जिससे आपकी राइडिंग पोजीशन खड़े होते समय बिल्कुल परफेक्ट रहे, बाइक कंट्रोल में रहे. फिर कह रहा हूँ, इस बाइक को ऑफ रोड कैपेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल मत जज करना, ये प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरर है. बाकी अगर सस्पेंशन वगैरह की अगेन बात करें तो सस्पेंशन भी इसमें माइल्ड ट्रैवल के साथ दिया हुआ है. 150 mm ट्रैवल एट द फ्रंट, 150 mm ट्रैवल एट द बैक. सो ऐसी कोई फिगर्स नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करें, बट जो 150 mm ट्रैवल है वो अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है रोड पे भी और थोड़ी बहुत ख़राब रोड्स पे भी. सो डेफिनेटली सस्पेंशन प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक से तो बेटर ही है, बट ऑफ रोड लेवल का ऑब्वियसली नहीं. बाकी एज सच ट्रायम्फ ने इस बाइक में ना ट्राइडेंट का इंजन एज इट इज 660 सीसी इंजन, जो 80 bhp ऑफ पावर, 64 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो एज इट इज़ डाला है. आई डोंट थिंक कोई उन्होंने खास इसमें ट्यूनिंग भी ऐसी करी है कि जो टाइगर 660 स्पोर्ट के लिए स्पेशली की गई हो. सेम इंजन कैरेक्टर, ट्रिपल सिलेंडर मोटर, बढ़िया एग्जॉस्ट नोट जो आपको अभी सुनाई दे ही रहा होगा, एंड पावर की एज सच कोई खास कमी नहीं है इस बाइक में. आप आराम से 160 किलोमीटर पर आर तो इजीली टच करोगे, 160-170 किलोमीटर पर आर. एंड विंड ब्लास्ट ऑब्वियसली थोड़ा झेलना पड़ेगा क्योंकि अपराइट सीटिंग पोजीशन है, विंड स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो ऑब्वियसली आपकी हेलमेट पे विंड ब्लास्ट तो आना ही है. बट ओवरऑल देखें तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं बाइक में. हीटिंग इश्यूज़, बड़ी मोटरसाइकिल है, नॉट एज बिग, बट या 660 सीसी इंजन है तो हीटिंग इश्यूज थोड़े बहुत तो आएंगे ही, क्योंकि ट्रिपल सिलेंडर इंजन है, वो हीट करता है ट्रैफिक में. मैं इस बाइक को गुड़गांव से जब नोएडा लेकर आया था कुछ दिन पहले, रश आर, पीक रश आर ट्रैफिक में, तो भाई साहब अच्छी खासी हीटिंग हो रही थी, एंड थाइज पे, इनसाइड ऑफ द काव्स, अच्छा खासा ऐसा लग रहा था सेक पड़ रहा है बढ़िया. सर्दियों में तो वो आपको मज़े देगा, बट गर्मियों में एज यूजुअल प्रॉब्लम होती है हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स में. बट जिन भी बाइक्स में आपको वो स्पोर्ट्स बाइक वाला साउंड मिलेगा ना, उसमें हीटिंग फील होनी ही होनी है. सो
इस आई मीन दिस इज अ गिवन. सो ये क्वेश्चन पूछना भी बेकार है कि अगर आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला साउंड मिल रहा है तो हीटिंग होगी कि नहीं होगी. हीटिंग मिलेगी ही मिलेगी. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक बनाया है ट्रायम्फ ने. बट बेसिक होने के ओह ये थोड़ा सा हार्ड स्पीड बम था, एकदम से रीबाउंड मारी सस्पेंशन ने पीछे वाली. तो मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहा था. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी सिंपलिस्टिक येट क्लासी दिया है ट्रायम्फ ने. अगर वो चाहते तो एक बेसिक नेगेटिव LCD स्क्रीन दे सकते थे, बट इसमें भी दे हैव पुट इन सम कलर्स. जो गियर पोजिशन इंडिकेटर है, जो डेट है, एंड ओवरऑल छोटा सा कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो काफ़ी यूटिलाइजेबल है. ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ओवर द टॉप शूशा फंक्शंस दिए हैं. बाइक के अंदर दो राइडिंग मोड्स हैं, एक रेन मोड है, एक रोड मोड है. सो आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल एंड मैपिंग वगैरह उससे सेट हो जाती है. अदरवाइज नथिंग फैंसी इन द मशीन, प्रीटी सिंपल मशीन. सो इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, सो लेट्स सी हाउ दिस गोज. We are on the Noida, Greater Noida Expressway. थोड़ा विंड ब्लास्ट आ रहा होगा आप लोगों को. ADV हेलमेट है, थोड़ा सा विंड ब्लास्ट कैच करती है माइक पे. बट इफ यू लुक, ईजी क्रूजिंग केपेबिलिटी, 6th गियर पे हैं, आराम से चल रहे हैं 100 प्लस स्पीड पे. एज सच कोई मेजर वाइब्रेशन नहीं है, बट हाँ 130 के बाद ऐसा फील होता है कि वाइब्रेशन आ रही हैं. अब ऑब्वियसली इस बाइक को आप हायर कैपेसिटी ट्रिपल सिलेंडर मशीन से नहीं कंपेयर कर सकते. टाइगर 800 तो यार 150 तक ऐसे बटर स्मूथ उसका थ्रॉटल है जो मैं रेगुलरली चलाता हूँ. उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में देखोगे तो उतनी स्मूथ तो नहीं है, बट डिसेंट है यार. मतलब जो ऑफर कर रही है ट्रायम्फ उसके हिसाब से बहुत बढ़िया स्मूथनेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिड रेंज है. टॉप एंड में थोड़ा सा लैग करती है बाइक. लैग नॉट इन द सेंस ऑफ स्पीड कि इतनी स्पीड पे जाएगी, 170 की MPS तो यार अच्छी खासी स्पीड होती है, बट जो वाइब्रेशंस आती है ना हल्की सी, वो आपको लगेगा कि बाइक में थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है उस टाइम पे. बट ओवरऑल पावर डिलीवरी टॉप क्लास, लीनियर पावर डिलीवरी एज यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ट्रिपल सिलेंडर मोटर. पावर बैंड काफ़ी स्ट्रॉन्गली एंड वाइडली लेड आउट है. हाईवे पे आप देख रहे हो इजी क्रूजिंग. एंड 6th गियर की जो ट्रैक्टेबिलिटी है ना ट्रिपल सिलेंडर मोटर की, वो बहुत ही बढ़िया है. मतलब आई मीन ये आपको चीज़ें इनलाइन 4 में भी मिलती हैं, बट ट्विन सिलेंडर में इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती. सिंगल सिलेंडर में तो ऑब्वियसली आपकी बाइक स्टॉल करना शुरू हो जाती है जब आप हाई गियर में होते हो और स्पीड लो होती है. दिखाता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ. देखो 6th गियर में था, अभी से 100 पे चल रहा था. 6th गियर में रहते रहते ही आई हैव कम डाउन टू अबाउट से, ट्राई कर रहा हूँ 50 पे आ गए हैं, 47. बट बाइक में बिल्कुल भी नॉकिंग नहीं है. ये चीज़ जो है ना, ये इसे कहते हैं लीनियर पावर डिलीवरी. एंड बॉटम एंड ग्रंट भी है थोड़ा बाइक में. ऐसा नहीं है कि टक 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 बंद जैसे ड्यूक 390, राइट? तो बुरा मत मानना, बट या मल्टीपल सिलेंडर्स वाली मोटरसाइकिल में ये फ़ायदा होता है. 6th गियर पे मैं 45 पे था, देखते हैं फिर से जाके. एक्सेलेटर बिल्कुल छोड़ा हुआ है, थ्रॉटल, हैंड्स ऑफ द थ्रॉटल एंड 6th गियर. यू कैन सी वाइब्रेशन नहीं है हैंडल बार में. 40 भी आ गया, 39 भी आ गया, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज फ्लेक्सिबिलिटी. अब 35 से इन द सेम गियर आपको बस थ्रॉटल को खींचना है एंड सी व्हाट दिस मशीन डज. सेम गियर एक्टिव है क्या ये? ठीक है, आई एम नॉट गोइंग अबव दैट, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट ये है फ्लेक्सिबिलिटी. 100 किलोमीटर पर आर का बैंड है सेम गियर में. एंड आई एम प्रीटी श्योर उससे ज्यादा है, क्योंकि 170 भी टच होती है आराम से बाइक. सो इससे ज्यादा लीनियर पावर डिलीवरी में आपको क्या दिखाऊं यार, इससे बढ़िया एग्जांपल क्या दिखाऊं आपको. ये कहां ठोक दी भाई, ये रोज तुम लोग एक्सप्रेसवे पे कुछ ना कुछ पंगा कर ही देते हो.
पी के बसें चलाते हैं, कहीं भी ठोक देते हैं। मौसम बढ़िया हो चुका है दिल्ली एनसीआर में एंड काफ़ी दिनों बाद निकला हूँ मैं सुबह राइड पे, सिंस ये वाली बाइक मेरे पास अभी अवेलेबल थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट एंजॉय अ संडे राइड फील, ऑल्दो इट्स नॉट अ संडे टुडे, इट्स दशहरा टुडे, वेडनेसडे, मिड ऑफ द वीक। एंड यस, सो बाइक पे वापस आते हैं, कंफर्ट टॉप नॉच, पावर डिलीवरी स्मूथ, ट्रिपल सिलेंडर इंजन, एग्जॉस्ट नोड बढ़िया, राइडिंग पोजीशन ऑसम फॉर स्पोर्ट्स टूरिंग। थोड़ा विंड ब्लास्ट आएगा क्योंकि विंड स्क्रीन छोटी है जैसा मैंने बताया। सो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं बाइक में। फिर से एक बार खींचते हैं बाइक को थोड़ा सा, ना यार ऐसे बाइक को चलाना सुबह सुबह, मजा फुल देगी आपको ये बाइक। ट्राइडेंट से आई थिंक मच बेटर है ये बाइक, ट्राइडेंट थोड़ी सस्ती है ऑब्वियसली, वो 7.5 लाख टाइप की आएगी, ये 10+ आएगी तो। बट जो फेयरिंग एंड विंडस्क्रीन एंड ओवरऑल कंप्लीटनेस होती है एक फेयर्ड बाइक में, आई थिंक मुझे तो पर्सनली वो अट्रैक्ट करती है ज़्यादा। नेकेड थोड़ी बीफी हो तो बढ़िया लगती है जैसे Z900 एंड ऑल, ट्राइडेंट तो मेरे को लगता है थोड़ी सी क्रैम्प्ड मोटरसाइकिल है, सो वो फीलिंग आपको इधर नहीं आएगी, सीट्स सुपर कंफर्टेबल हैं। अब अगर ब्रेक्स की बात करें, ब्रेक्स तो यार आई डोंट थिंक सो इज़ अ वेरी बिग क्राइटेरिया आजकल बाइक्स में, स्पेशली जो प्रॉपर हाई एंड बाइक्स होती हैं, अनटिल अनलेस आई मीन इसमें निसिन के ब्रेक कैलिपर्स हैं, ट्विन डिस्क है द फ्रंट रियर में, एक डिस्क ऑब्वियसली, अनटिल अनलेस हैरिसन ताले वाले इसमें ब्रेक्स लगा दे, ब्रेक्स तो बढ़िया वर्क करनी है। इसमें निसिन की ब्रेक्स लगी हैं जो बढ़िया बाइट प्रोवाइड करती हैं, सो ब्रेकिंग आई डोंट थिंक सो इज़ अ बिग चैलेंज ऑन एनी ऑफ द बाइक्स दीज डेज, वो तो ऑल सेट है। अब बाकी और क्या बताऊँ, आई मीन आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग राइट, सब कुछ बता दिया, बाइक चलती कैसे, माइलेज, यस माइलेज अराउंड 24 किलोमीटर्स पर लीटर अगर आप ऐसे चला रहे हो जैसे मैं प्यार से अभी चला रहा हूँ फिलहाल। खींच के चलाओगे तो ऑब्वियसली 21-22 पे आएगी क्योंकि बिग कैपेसिटी इंजन है। एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, अभी पूरे टाइम आई वॉज राइडिंग एट 6th gear, द वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंजन, दैट इज़ द हाईलाइट फॉर द 660 इंजन फॉर मी। 50 से लेके 150 या 170 वट एवर द टॉप स्पीड इज, गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नो वाइब्स एट ऑल ऑन द हैंडल बार। सो अब ये डिस्कस करते हैं कि हु शुड बाय दिस ट्रायम्फ टाइगर 660 स्पोर्ट। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये, बिकॉज फॉर समवन हु इज़ आउट देयर इन द मार्केट टू बाय अ मोटरसाइकिल, टाइगर बैजिंग देख के सबसे पहला इंप्रेशन आता है कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ थोड़ी तो होंगी ही, बिकॉज दैट इज़ द बेसिक ऑफ द टाइगर नेम जेनेसिस राइट, बट ऑफ रोड तो मोटरसाइकिल ये है नहीं, इसकी कंपटीशन क्या हो सकती है? बिकॉज जिस तरह से ट्रायम्फ ने इसे प्राइस किया है 10.5 lakhs ऑन रोड इन दिल्ली एनसीआर, प्राइसिंग तो सस्ती नहीं है 660cc मोटरसाइकिल के हिसाब से, बिकॉज अगर आप 2.5-3 lakh रुपए और खर्च करो तो आपको टाइगर 850 स्पोर्ट मिल जाती है, एंड इनफैक्ट सेम जो ब्रैकेट है 10 lakh वाला ब्रैकेट उसमें आपको वी स्टॉम 650 मिल जाती है, थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है बट टॉप नॉच मोटरसाइकिल है वो, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, ऑन रोड कैपेबिलिटीज, स्टोरिंग, एवरीथिंग, सब चीज़ें बहुत बढ़िया करती है वो। उससे थोड़ा नीचे देखें तो कावासाकी वर्सेस तो अपनी है ही 650cc में, अराउंड 8 lakhs ऑन रोड, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कौन खरीदेगा इस बाइक को। एक सिंपल स्पोर्ट्स टूरर समझ के 10 lakhs खर्चना किसके लिए रीजनेबल होगा? आई फील एनीवन हु इज अ ट्रायम्फ फैन बॉय, जिसको ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल्स पसंद आती हैं,
anyone who wants a sports tourer with a triple cylinder engine and the exhaust note of a sports bike like this, and anyone who wants to get maybe like a 90-10 motorcycle, 90% on-road, 10% off-road, वो भी माइल्ड ऑफ रोड ना, लद्दाख करना है इस पर. देखो हो तो सब पे जाता है बाइक्स पे, बट रोड्स पे तो सुपर कंफर्टेबल होगी. वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह, छोटा मोटा जो ऑफ रोड टेरेन होता है, मीडियम बेसिक लेवल की कर लेगी. बस हल्का सा जहाँ भी एडवांस्ड हुआ टेरेन, वहाँ पे तो स्क्रेप कर जाएगी नीचे यार. और सबसे बड़ी इसका इंडिकेशन है कि ट्रायंफ ना, इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस फिगर्स भी मेंशन नहीं करी है किसी स्पेक शीट में. तो आप समझ ही जाओ 90-10 मोटरसाइकिल है ये. तो ऐसा बंदा जिसे ये तीनों चीज़ें चाहिए हो ना, ट्रायंफ की फैमिली में रहना हो, नीड्स अ स्पोर्ट्स टूरिंग मोटरसाइकिल विद अ स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट नोट, ट्रिपल सिलेंडर एग्जॉस्ट नोट, ऐसे बायर के लिए ये बहुत बहुत सेंसिबल बाइक है. इफ़ यू हैव द बजट ऑफ 10+ lakhs और ऑलमोस्ट 10 lakhs, आइडियली आई थिंक इस बाइक की प्राइजिंग टॉप आउट हो जानी चाहिए थी अराउंड 9 lakhs मैक्सिमम. देखो ट्रायंफ की बाइक का थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम होता है कंपेयर टू कावासाकी एंड ऑल, बिकॉज इनकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी एंड द ओवरऑल ब्रांड इमेज इज मच मच बेटर कंपेयर टू कावासाकी. दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. फिट एंड फिनिश की तो मैं गारंटी लेता हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ द ब्रांड्स फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. बट देर इज ऑल्सो वन मोर ऑप्शन डेट आई वुड वॉन्ट टू सजेस्ट. थोड़ा आउटडेटेड है, विच कैन ऑल्सो डू थिंग्स that this machine can do with almost a very usable power, you know, availability power band, which is the Ninja 650 ko banda almost same cheezon ke liye use kar sakta hai jo Tiger Sport ko kar raha hai, jo Tiger Sport kar sakti hai. Wo aapke upar hai ki aap ek twin cylinder machine mein paise lagana chahte ho jo almost aaj ke time pe khud 7 lakhs ki ho chuki hai, या 2-3 lakh रुपए एक्स्ट्रा खर्च के ये ट्रिपल सिलेंडर एग्जॉस्ट नोट के मजे लेना चाहते हो. सो यार इन दो चीज़ों में ही सारा डिसीजन आ जाएगा. अगर आप मार्केट में हो 650 cc वाली मोटरसाइकिल लेने के लिए, ऑफ कोर्स इसमें मैं इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो यार डिफरेंट टाइप ऑफ मोटरसाइकिल्स हैं, रेट्रो फील वाली मोटरसाइकिल्स हैं. आप उनको इन एडवांस मोटरसाइकिल से नहीं कंपेयर कर सकते. So that is my understanding of who this bike is really meant for. Definitely off-road, tiger badging, इन चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना इस मोटरसाइकिल को, क्योंकि ये वो काम करने के लिए बनी ही नहीं है. इनफैक्ट आई वुड गो एज फार एज सेइंग कि ट्रायंफ को टाइगर ब्रांडिंग इस बाइक से हटा के बेचना चाहिए था, क्योंकि हो क्या रहा है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा कि टाइगर है, छोटी टाइगर ले लेते हैं यार, सस्ती पड़ेगी, वो भी तो टाइगर ही है. बट सीन ये है कि ये टाइगर है ही नहीं, ये है मे बी लाइक अ स्पोर्ट्स टूरिंग वर्जन ऑफ अ ट्राइडेंट. दैट इज द मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन. सो कीप दैट इन माइंड, एंड दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो टूडे. आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I'll try and answer, मुझे जो पता है जितना पता है, I'll try and answer that. And I'll see you in the next one. So till then, bye-bye.